दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम अ रिवर बाय ए.के. रामानुजन। ये है मदुराई सिटी, और ये जो सिटी है ना, ये एक नदी के किनारे में है। तो इसी नदी के बारे में पोएट हमें इस पोयम में बताते हैं। तो दोस्तों चलिए अब पोयम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। इन मदुराई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, मदुराई जो कि शहर है मंदिरों का और कवियों का, हु सैंग ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल्स, और ये जो कवि है ना, यानी कि ये जो पोएट्स है, ये इस शहर के बारे में और इस शहर के मंदिरों के बारे में लिखते हैं। एवरी समर अ रिवर राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। ट्रिकल मतलब अ स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ कहा गया है कि ये जो रिवर है ना, ये समर में सूख जाती है और थोड़ा बहुत जो बचा कुचा पानी है वो रेत में बहता है। बेरिंग द सैंड रिप्स स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स। इस रिवर का पानी इतना कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो सैंड है ना, यानी कि जो रेत है, वो हड्डियों के तरह लगता है, और जो स्ट्रॉ और वोमेन का हेयर है वो जाम कर देता है इस नदी के वाटर गेट्स को, यानी कि जहाँ से पानी बहता है। और यहाँ पर ब्रिजेस के नीचे रस्टी बार्स है, रस्टी बार्स इसे कहते हैं। अंडर द ब्रिजेस विथ पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम। इस ब्रिज के नीचे जंग लगे हुए बार्स है और यहाँ पर पैचेस है रिपेयरिंग के, यानी कि यहाँ पर जो रिपेयर हुआ है ना, उसका दाग है। द वेट स्टोन्स ग्लिस्टनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स। यहाँ के जो गीले चमकते हुए पत्थर है वो सोते हुए मगरमच्छ के तरह लग रहा है। द ड्राई वन शेवन वाटर बफलोस लॉन्गिंग इन द सन। और यहाँ के जो सूखे पत्थर है वो बफलो के तरह लग रहा है, जो सूरज के नीचे मौज मस्ती करते हैं। द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स। और यहाँ के जो कवि है, यानी कि यहाँ के जो पोएट्स है, वो सिर्फ इस नदी में आए हुए फ्लड के बारे में लिखते हैं। ही वॉज देयर फॉर अ डे। जो पोएट है, यानी कि जो इस पोयम को लिख रहे हैं, वो मदुराई सिटी में एक दिन के लिए गए थे। When they had floods, जब वहाँ पर, यानी कि मदुराई सिटी में बाढ़ आया था। People everywhere talked of the inches rising। वहाँ के लोग सिर्फ फ्लड्स के बारे में बात कर रहे थे, और वो बात कर रहे थे कि जो पानी है ना, वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि फ्लड के आने के वजह से जो नदी का पानी है वो बढ़ गया है। Of the प्रिसाइस नंबर ऑफ कॉबलेट स्टेप्स। ये जो कॉबलेट स्टेप्स है, ये इसे कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो कॉबलेट स्टेप्स है, रन ओवर बाय द वाटर राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस। यहाँ तक पानी आ गया है जहाँ पर इंसान नहाते थे, जहाँ पर इस मदुराई सिटी के लोग नहाते थे। ये कॉबलेट स्टेप्स भी पानी में डूब गया है। एंड द वे इट कैरिड ऑफ थ्री विलेज हाउसेस। इस फ्लड ने इस गांव के तीन घरों को अपने घेरे में ले लिया। वन प्रेग्नेंट वोमेन एंड अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड ब्रिंडा एज यूजुअल। इस फ्लड ने एक प्रेग्नेंट वोमेन की जान ले ली, यानी कि ये जो औरत है ये डूब के मर गई, और दो काउज भी डूब के मर गए, उसमें से एक का नाम था गोपी और एक का नाम था ब्रिंडा। द न्यू पोएट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स। आज के जो नए कवि है, उनका जो सोच है वो पुराने कवि के तरह है। बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ द प्रेग्नेंट वोमेन। आज के जो नए कवि है ना, उन्होंने इस प्रेग्नेंट वोमेन के बारे में अपने पोएम्स में नहीं लिखा। ड्राउंड विथ परहैप्स ट्विंस इन हर। ये जो औरत थी, इसके पेट में ट्विंस थे जब ये डूब के मर गई। किकिंग एट द ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ। जब ये औरत फ्लड में डूब कर मर रही थी, तो इसके पेट में जो दो बच्चे थे ना, वो लात मार रहे थे, मतलब वो पेट के अंदर लात मार रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ स्टैंजा को। ही सेड द रिवर हैज़ वाटर इनफ टू बी पोएटिक अबाउट ओनली वंस अ ईयर। तो पोएट कहते हैं जो रिवर है ना, इसमें पानी बहुत था पोएटिक होने के लिए, मतलब कि
ये जो यहाँ पर फ्लड आया और ये जो दृश्य था ना, ये बहुत था इन पोएट्स के लिए, ताकि ये पोयम को लिख सके और उस पोयम में सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। और ये जो दृश्य था ना, ये सिर्फ़ 1 साल के लिए रहता है, मतलब ये बाढ़ 1 साल में एक ही बार आता है। इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आर 3 विलेज हाउसेस। तो यहाँ पर सभी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब फ्लड आया था तो आधे घंटे में इस फ्लड ने 3 गांव के घरों को अपने शिकस्त में ले लिया, यानी कि 3 घरों को डुबो दिया। कपल ऑफ काउस नेम्ड गोपी एंड ब्रिंडा। और इस फ्लड ने 2 काउस को, यानी कि 2 गाय को जिसका नाम था गोपी एंड ब्रिंडा, इन दोनों को भी डुबो दिया। एंड 1 प्रेग्नेंट वोमेन, और 1 प्रेग्नेंट वोमेन को भी डुबो दिया। एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस, जिस वोमेन को आइडेंटिकल ट्विंस होने वाले थे, विथ नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, विथ डिफरेंट कलर्स डाइपर्स टू टेल देम अपार्ट। तो यहाँ पर कहा गया है जो वोमेन डूबी ना, उसके पेट में 2 सेम तरीके के बच्चे थे, उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। ये जो डिफरेंट कलर डाइपर्स है, ये यहाँ पर हमें यही बताता है कि वो जो 2 बच्चे थे, उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पोयम एंड होता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।